हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांट के विषय। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लैक्टेरियस हाइब्रिडा प्लांट के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, ताकि आपको प्लैक्टेरियस हाइब्रिडा प्लांट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिले। और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लैक्टेरियस हाइब्रिडा प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट आप खुद देखिए, ये काफ़ी रेयर प्लांट होता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो मुख्तलिफ कलर्स को कंबाइन करके बनाया है, जिसका हम लोग एक पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है इसी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। जैसे कि मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ इसके प्लांट के बारे में। तो इसके जो लीव्स होते हैं, वो कभी इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इसके लीव्स के ऊपर, तो कभी लाइट पर्पल, तो कभी डार्क पर्पल, तो कभी ब्लैक, ऐसे टाइप इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। और बाकी का आप देखें, जब इसके ज़्यादा लीव्स बन जाते हैं तो ऊपर से एक टाइप ऑफ ग्रीन टाइप ऑफ रूट बनती है, जिससे आप देखें उसके ऊपर छोटे छोटे से बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्यूट से लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, जो इसकी प्लांट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और इसके बेनिफिट्स में ये, अगर जैसे कि आपको अगर कोल्ड है या तो फीवर है, नज़ला ज़ुकाम और लाइक कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिजीज़, उनकी मेडिसिन में ये प्लांट को यूज़ किया जाता है, ताकि आप बेटर फील करें और आपको इन सारी बीमारियों से निजात मिले। और इसकी केयर में हम लोग कह सकते हैं कि इसको आप सौगी बिल्कुल भी मत करें, वरना आपका प्लांट जल जाएगा ऑब्वियसली। और मॉइस्ट सॉइल रखें, क्योंकि हर प्लांट को मॉइस्ट सॉइल ही प्रेफर होती है बाकी का। और आप इसको सनलाइट में रखें 6 to 7 पर डे आवर्स, और आप इसको आउटडोर और इंडोर दोनों रख सकते हैं। इट्स ऑन योर पर्पस, आप रख सकते हैं इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगहों पर आप इसको रख सकते हैं। बाकी का ये समर के महीने में ग्रो होता है, तो अगर आप कभी भी इस प्लांट को लगाएं तो आप इसको समर के ही सीज़न में लगाइएगा, क्योंकि समर के सीज़न में ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है और अच्छी तरीके से भी ग्रो होता है। बाकी का ये आप लोगों को एशिया और ऑस्ट्रेलिया और एशियन ममालिक और पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया में भी, लेकिन ज़्यादातर एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। बाकी का अगर आप इन जगहों में देखें तो ये ज़्यादातर वहाँ पे मिलता है, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, आपको इसको अपने घर पे ज़रूर लाना चाहिए, आप इधर खुद देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।